छतरपुर में बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग ने एक बार फिर से हंगामा किया है, जिसके बाद वो विवादों में आ गए हैं। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर टोल कर्मचारियों को पीट डाला। पीड़ित टोल कर्मी ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के बाद पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम समेत 10 लोगों की तलाश शुरू कर दी है, क्योंकि घटना के बाद वे वहां से चले गए थे। बता दें कि मामले में धीरेन्द्र शास्त्री का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। यह पहली बार नहीं है जब शालिग्राम ने कोई विवाद किया हो। इसके पहले भी वे कई बार विवादों में आ चुके हैं। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग पर मारपीट का आरोप लगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक शालिग्राम ने देर रात सागर रोड स्थित मुगवारी टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। शालिग्राम उस वक्त एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए छतरपुर से बाड़ा मलहरा की ओर जा रहे थे। वहां टोल प्लाजा में उनकी टोल कर्मियों से किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसके बाद शालिग्राम ने साथियों संग मिलकर टोल कर्मचारियों को पीट डाला, फिर वहां से चले गए। बताया जा रहा है कि टोल देने को लेकर शालिग्राम के कर्मचारियों के साथ बहस हुई थी। पीड़ित टोल कर्मी की शिकायत पर पुलिस ने 3 नामजद शालिग्राम गर्ग, जीतू तिवारी, लोकेश गर्ग और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ गुलगंज थाने में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है। बता दें कि पहले भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई मारपीट सहित अन्य विवादों में रह चुके हैं। गांव के ही एक व्यक्ति का जाति अपमान व मारपीट की थी, उस मामले में भी प्रकरण दर्ज हुआ था और जेल भी गए थे। एक बार फिर उनका विवाद सामने आया है, जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।